शुक्रवार को पंचकुला में पूर्व विधायक डीके बंसल की पत्नी अंजलि बंसल ने बताया कि वह किस तरह पंचकुला का विकास करेंगी। वहीं अंजलि बंसल आज कुमारी शैलजा के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हवन में उपस्थित रही। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है, तो वो बेरोजगारी के लिए वो काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 1000 नौकरियां तो यहीं पर दी जाएंगी पंचकुला हल्का, जो कि हमेशा से डिक्लेक्ट होता रहा है उसके विषय में। और दूसरा जो है कि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है एक्स सर्विसमैन है, उनके सबसे मेजर समस्या क्या है कि मेडिकल बिल है, जो मैंने लोगों से जाना है। और मैंने शैलजा जी से इस बारे में बात भी करी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका हल करेंगे कि उनको जो मेडिकल बिल है अपने जूनियर्स के पास, क्लर्क के पास धक्के खाने पड़ते हैं, और वो कहते हैं कि भाई अभी नहीं आना, बाद में आना, और ये काम है। तो हम चाहते हैं कि उनका एक स्मार्ट कार्ड बने मेडिकल का, जो डायरेक्टली उनको इन सब सुविधाएं मिले। और ये यहाँ पे आके जो जितने भी हुड्डा में घर आते हैं, एक एनहांसमेंट का तो चक्कर है ही है, उसके अलावा जो हुड्डा में घर आते हैं और जितने नगर पालिका में घर आते हैं, उनमें बड़ा भेदभाव किया गया है। हुड्डा ने अपने घर में जो है यहाँ पर पानी का बिल जो है वो 4 गुना ज़्यादा आता है। आप एक सड़क के किनारे पे अगर निगम का एरिया आता है और एक सड़क के किनारे पे हुड्डा का एरिया आता है, तो देखेंगे कि वहाँ पे 500 का बिल आ रहा है महीने का, तो यहाँ पे 2000 का आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा अन्याय है। अगर पूछा जाए उनसे, पूछा हुड्डा डिपार्टमेंट से कि ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं कि हमने एम्प्लॉयज बढ़ा दी है, तो उनका खर्चा या उनका जो हमने तनख्वाह देनी है तो वो इसी माध्यम से निकाले। शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने हमसे धोखा करा है, और ये आपके जो मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो शिफ्ट कर रहे हैं हम, उसको यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है ना जी। आईटी सेक्टर है जहाँ पे आपने इन्होंने आईटी सेक्टर को खोल दिया, लेकिन वहाँ पे आने जाने की सुविधा ही नहीं है, साधन नहीं है, बस सर्विस नहीं है, वो हम बस सर्विस देंगे। हम गाँव में घूमे हैं, शहरों में घूमे हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनकी हालत झर्झर हो रही है। इतना बजट आया लेकिन वो बजट गया कहाँ पर? मैंने पता किया कि कांग्रेस के टाइम, जैसे कि आप बताते हैं कि बीजेपी के टाइम में ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन सही मायने में हमने नारा नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने काम किया है। सभी बच्चों को कहा था कि जो स्कूल में आए पढ़ाई करें, हम लड़कियों को 500 रुपये देंगे, लड़कों को 250 रुपये देंगे, और उन्होंने दिया। अब पिछले 5 साल से उनके खाते में 1 रुपया नहीं गया, उल्टा वो बेचारे मुझे कह रहे हैं कि मैडम हमसे मांगा जा रहा है कि आपकी यूनिफॉर्म के लिए 1000 रुपये जमा कराओ, तब हम आपको यूनिफॉर्म देंगे, तो बताइए वो कहाँ से देंगे। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कोमल रमोला की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।